हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सभी बच्चे क्लास 12th और 10th में पास हो गए हैं। आपको पास होने की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बोर्ड ऑफ ये स्कूल एजुकेशन रामनगर नैनीताल के द्वारा जो क्लास 12th की जो मेरिट लिस्ट दी गई है, इसमें टॉप 30 रैंक जिन बच्चों ने प्राप्त किया है, उन बच्चों के आज मैं आपको इस वीडियो में नाम बताऊंगा। जो बच्चे टॉप किया है जिन्होंने अपने स्टेट के अंदर यानी यूके बोर्ड के अंदर, उन बच्चों को मैं आपको नाम बताऊंगा और उनके नाम के साथ साथ आपको स्कूल भी बताऊंगा कि किस स्कूल में वो बच्चे पढ़ने वाले हैं और उन्होंने किस किस तरीके से नंबर प्राप्त किए हैं और कितने बच्चे यूके बोर्ड में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमने अपना एक दूसरा चैनल भी बनाया है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। दोस्तों, मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा खेल कूद में भी बच्चों को ध्यान जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या करा है, एक स्पोर्ट्स का भी चैनल बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे जिस टाइम आप खाली टाइम फ्री रहते हैं उस टाइम उस चैनल पर जाकर कुछ वीडियोज़ देखिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रामनगर नैनीताल 12th एग्जाम 2020 मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर की गई है, इसमें टॉप 30 स्टूडेंट्स के नाम मैंने यहाँ अपने आप पेन से क्या कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ठीक है, जिसमें मैंने उनकी परसेंटेज और उनके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। हालांकि मैंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स नहीं लिखे हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता, फिर उसमें समझाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने खाली उनके टोटल मार्क्स और परसेंटेज और उनका नाम और जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका नाम लिख रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ वो 30 टॉप रैंक के बच्चे कौन कौन हैं, उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं और कौन से स्कूल में वो पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे जो क्लास 12th की जो स्टूडेंट है जिसने टॉप किया, चलो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे इस बार पास हुए हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ मैंने लिख रखा है कि टोटल स्टूडेंट जो इस बार क्लास 12th में पास हुए हैं वो 80.26% बच्चे इस बार टोटल 12th क्लास में पास हुए हैं और जिसमें से गर्ल्स ने फिर इस बार बाजी मार ली है, यानी गर्ल्स ने जो परसेंटेज लाए हैं 83.63%, यानी 83.63% गर्ल्स पास हुई हैं इस परसेंटेज के टोटल के अकॉर्डिंग। और इसमें बॉयज़ का जो परसेंटेज, हर बार की तरह जैसे लड़के पीछे रह जाते हैं, इस बार भी लड़के पीछे रहे हैं, यानी 76.88% लड़कों ने क्या किए हैं, मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ये बताना भी आपके लिए जरूरी था कि कितने बच्चे टोटल पास हुए हैं, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ पास हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखो, फर्स्ट नंबर पे जो हमारे क्लास 12th में जिन्होंने टॉप किया है वो है हमारी कुमारी ब्यूटी वत्सल जियो, जो कहाँ की पढ़ने वाली हैं, पंडित पूर्णानंद तिवाड़ी आईसी जसपुर यानी उधम सिंह की रहने वाली हैं ये, जिन्होंने उधम सिंह नगर स्कूल पढ़ता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर है जहाँ पे जसपुर जगह पे ये स्कूल पढ़ता है। उसमें जो लड़की ब्यूटी वत्सल है उसने जो टोटल मार्क्स जो अपने गेन किए यानी प्राप्त किए हैं वह 483 हैं, कितने में से 500 में से उसने 483 नंबर मिले हैं उनको, और जो उनकी परसेंटेज आई है 96.60% से वो पास हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंक इन्होंने क्या किया, प्राप्त की है, यानी यूके बोर्ड में सबसे टॉप पे रहने वाली ये कुमारी ब्यूटी वर्सल हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे हैं युगल जोशी। सेकंड नंबर पे हमारे कौन है, युगल जोशी, जो DSN गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्योरा नैनीताल के में के पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने 500 में से 477 नंबर क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, और इनकी परसेंटेज का जो टोटल निकल के आया वो 95.40% आया। इन्होंने इतने नंबर के साथ क्या है, 92nd रैंक अपनी क्या किया, प्राप्त की है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे हैं राहुल यादव, जो आपके SVMIC आवास विकास ऋषिकेश देहरादून के पढ़ने वाले हैं, स्कूल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने 500 में से 475 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है, जिनकी परसेंटेज है 95%। ये इससे इस परसेंटेज के साथ थर्ड स्थान यानी थर्ड रैंक पे रहे हैं, यानी तीसरे स्थान पे रहे हैं। फोर्थ रैंक पे आप देखेंगे, फोर्थ रैंक पे आपके हैं कौन, सार्थक मेथानी। सार्थक मेथानी जो हैं
सार्थक मेथानी जो है वो भी एस वी एम इंटर कॉलेज के पढ़ने वाले हैं। वो यूनी यालसारी चंबा टेरी गढ़वाल के रहे स्कूल में पढ़ते हैं। ये इन्होंने जो क्या है 500 में से 475 मार्क्स गेन करके 95% उनकी परसेंटेज आई है और उन्होंने फोर्थ रैंक क्या किया हासिल किया यानी प्राप्त की है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ रैंक पे जो आपके हैं वैभव थपलियाल हैं, वैसे थपलियाल होता है पर इन्होंने थपलियाल लिखा है, मेरे को तो थपलियाल ही लिखा तो मैंने थपलियाल ही लिखा है। वैभव थपलियाल जो हैं वो गवर्नमेंट आईसी शिमली चमोली के पढ़ने वाले हैं, सॉरी जिन्होंने क्या करा है 500 में से 475 मार्क्स गेन करके 95% का स्कोर किया है। ये आपके फिफ्थ रैंक पे रहने वाले स्टूडेंट्स हैं यानी टॉप 30 में से फिफ्थ रैंक इनको मिली है। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर पे जो आपके हैं वह हैं दीपक सती रानीखेत इंटर कॉलेज रानीखेत अल्मोड़ा के रहने वाले हैं ये। ठीक है, रहने वाले जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इन्होंने क्या है 500 में से 475 क्या किए हैं मार्क्स गेन किए हैं और इन्होंने भी कितने 95% नंबर ला के क्या है सिक्स स्थान अपना प्राप्त किया है, कहाँ पे मेरिट लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, सेवन्थ नंबर का जो बच्चा है यानी जिसने टॉप के सेवन्थ रैंक प्राप्त किया वो है मुकेश उपाध्याय जो है आपके बीएसएस विद्यालय नैनीताल में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने क्या है 500 में से 475 यानी 475 नंबर ला के 95% क्या किया है परसेंटेज गेन की है। और ये हैं आपके सेवन्थ रैंक के स्टूडेंट्स, एट्थ रैंक के स्टूडेंट्स जो हैं आपके नाम मैं आपको पढ़ते जाता हूँ सीरियल वाइज। देखो यहाँ पे एट्थ रैंक पे हमारे आकाश जो SVMIC सेक्टर 2 BHEL रानीपुर हरिद्वार के स्कूल में पढ़ने वाले हैं, जिनके टोटल नंबर 500 में से 474 हैं और 474 नंबरों के साथ उनकी जो परसेंटेज है वो 94.80 है और इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो एट रैंक पे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैं आपके अर्पित त्रिपाठी जो आपके नाइन्थ रैंक पे हैं, उनका स्कूल भी यही है SVMIC सेक्टर 2 BHEL, ठीक है, हरिद्वार वाले हैं ये भी। ठीक है, अर्पित त्रिपाठी या इन्होंने भी 500 में से 474 नंबर क्या किए प्राप्त किए हैं और इनकी परसेंटेज भी 94.8% है। तो कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बिल्कुल सेम नंबर होने के बावजूद भी उनकी रैंक क्या हो गई है ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, देखो अभी तक के सारे बच्चे लगभग सेम नंबर ला के ही टॉप रैंक पे रह रहे हैं। टेंथ नंबर पे जो आपके बच्चा है वो है प्रशांत चमोली। ठीक है, टेंथ नंबर पे आपका जो बच्चा है वो कौन है प्रशांत चमोली, ये सरस्वती विद्या मंदिर आईसी वो जखांदर टेहरी गढ़वाल जो भी नाम होगा थोड़ा आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा अजीब सा नाम है जखांदर, ये जो भी है टेहरी गढ़वाल का है ये स्कूल है। ये आपका 500 में से 474 नंबर इन्होंने भी प्राप्त किए, इनकी परसेंटेज भी 94.8% रही है। 11th नंबर पे आपके जतिन फासवान यानी ये SVMIC श्रीकोट गंगा नाली पौड़ी गढ़वाल के वहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या करा 500 में से 474 मार्क्स गेन करके 94.8%। देखो अभी तक के जितने भी सीरियल आ रहे हैं सब में एक जैसी परसेंटेज आ रही है यानी अधिकतर बच्चों के नंबर बिल्कुल सेम आए हैं, बस रैंकिंग ऑर्डर उनका चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद ट्वेल्थ रैंक पे जो हमारे हैं कौन है कमल चंद्र जोशी जो कहाँ के पढ़ने वाले हैं PPSVMIC नानक मत्ता उधम सिंह नगर के पढ़ने वाले हैं, इन्होंने 500 में से 474 मार्क्स गेन किया और इनकी परसेंटेज कितनी है 94.80% है। उसके बाद जो आपके 13 नंबर पे हैं वो कुमारी अजीता तिवाड़ी हैं, जो डॉक्टर LDB विवेकानंद VMIC द्वारा हार्ट अल्मोड़ा की पढ़ने वाली हैं, इन्होंने 500 में से 473 मार्क्स गेन किए हैं, उनके जो परसेंटेज है वो 94.60 है। तो दोस्तों अभी तक आप देखते आ रहे होंगे जितने भी अधिकतर बच्चे हैं वो ज़्यादातर पहाड़ से रहने वाले, सारे पहाड़ से बिलोंग कर रहे हैं, वहीं के बच्चों ने इस बार ज़्यादातर टॉप किया, अधिकतर बच्चे वहीं के टॉप आए हैं। ठीक है, ज़्यादातर देखो वहीं के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, गढ़वाल के हो गए टेरी गढ़वाल वगैरह हरिद्वार साइड के और आपके नैनीताल के अल्मोड़ा के इस जगह के बच्चों ने इस बार ज़्यादातर टॉप किया है। अब जो 14 रैंक पे जो आपके स्टूडेंट है वो है गौरव बिष्ट विवेकानंद VMIC मंडल सेरा बागेश्वर, ये देखिए बागेश्वर का, ये भी पहाड़ के स्टूडेंट हैं, यानी 500 में से 473 मार्क्स इन्होंने गेन किए हैं, इनकी जो परसेंटेज 94.60% आई है। उसके बाद जो हमारे हैं
15 रैंक पे जो हमारी हैं वो हैं अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा जो है बीएसएस विद्यालय नैनीताल की पढ़ने वाली हैं। इन्होंने 500 में से 473 मार्क्स गेन किए हैं। इसी के साथ ये 15 रैंक पे रही हैं। इनकी परसेंटेज भी 94.60 है। इसके बाद अब हम देखेंगे 16 रैंक पे रहने वाला स्टूडेंट वो है गलब जोशी अभी तो उसी को पता होगा क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो जिस तरीके से पढ़ने हो रहा है उसी तरीके से समझा देते हैं आपको। देखो ये गलब जोशी जो है ये विवेकानंद आईसी रानीधरा रोड अल्मोड़ा में रह के स्कूल में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने 500 में से 472 मार्क्स क्या किए हैं गेन किए हैं और इसी के साथ इनकी परसेंटेज है 94.40%। इन्होंने 16 रैंक प्राप्त किया है। उसके बाद हम 17 रैंक पे हैं हमारी कुमारी अंजलि सिंह राणा प्रताप आईसी खटीमा यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर में पढ़ने वाले हैं। ये उधम सिंह नगर के स्कूल राणा प्रताप जो है वहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये, ठीक है। इनका जो है आपका 500 में 472 का स्कोर बना है। इनकी परसेंटेज भी 94.40% रही है। उसके बाद 18 में देखें 18 नंबर की जो रैंक जिन्हें मिली है वह कुमारी प्राची राणा आईपी इंटर कॉलेज लक्सर हरिद्वार की रहने पढ़ने वाली हैं ये, यानी लक्सर हरिद्वार में स्कूल पढ़ता है ये, वहाँ की पढ़ने वाली हैं ये। 500 में से 471 मार्क्स गेन करके ये 18 नंबर पे रही हैं। उसके बाद 19 नंबर पे जो है आपके इनकी परसेंटेज 94.20 रही है। 94.20% इनकी रही है। उसके बाद आगे हैं आपके 19 नंबर पे कुमारी सृष्टि रयाल जो है आपकी विवेका अकेडमी एसएसएस खादरी देहरादून की स्कूल में जो है पढ़ने वाली हैं। अकेडमी जो आपकी देहरादून में होगी वहाँ की पढ़ने वाली हैं। खादरी कोई जगह का नाम है वहाँ की ये पढ़ने वाली हैं, ठीक है। 500 में से इन्होंने 471 मार्क्स ला के 94.20% नंबर गेन किए हैं। 20 नंबर पे आपके अभय नेगी CAIC अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अभय नेगी। इन्होंने 500 में 471 नंबर प्राप्त करे 94.20% नंबर प्राप्त किए हैं। देखो दोस्तों ये तो हमारे टॉप 20 स्टूडेंट्स हो गए जो बिल्कुल टॉप 20 में आ गए हैं जिन्होंने इतने नंबर प्राप्त किए। उसके बाद जो नीचे के बच्चे हैं उनके नाम भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आगे देखते हैं हम आगे बात करेंगे। आगे जो है हमारे 21 रैंक पे जो है अभिषेक सिंह मेहता जो है विवेकानंद VMIC लोहाघाट चंपावत के पढ़ने वाले हैं। इन्होंने 500 में 471 मार्क्स गेन किया और इनकी परसेंटेज है 94.20% यानी 21 रैंक पे रहे हैं। उसके बाद 22 रैंक पे जो है हमें फटाफट इसलिए पढ़ रहा हूँ आपके सामने लिस्ट मैंने बना रखी है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 22 नंबर पे आपके रहे हैं कुमारी करुणा बुदलाकोटी 22 नंबर पे आपके हैं कुमारी करुणा बुदलाकोटी जो आपकी SSSNG गवर्नमेंट कॉलेज IC बगड़ नैनीताल की पढ़ने वाली हैं। जिन्होंने 500 में 471 मार्क्स गेन किए हैं जिनकी परसेंटेज 94.20% रही है। उसके बाद 23 रैंक पे जो आपके रोहित झा हैं जो जिन्होंने SVMIC आवास विकास ऋषिकेश देहरादून के पढ़ने वाले हैं ये। इन्होंने क्या 500 में से 470 नंबर प्राप्त करके 94% क्या है परसेंटेज हासिल किया यानी प्राप्त किया। उसके बाद 23 रैंक पे रहे हैं। 24 पे आपके हैं दीपांशु जोशी जो विवेकानंद VMIC लोहाघाट चंपावत के पढ़ने वाले हैं। 500 में से 470% मार्क्स गेन किया 94% पे रहे हैं ये। उसके साथ इनकी रैंकिंग है 24। 25 पे आपके जो हैं चिनमय प्रभा पंत विवेकानंद IC रानीधरा रोड अल्मोड़ा के पढ़ने वाले हैं ये। इन्होंने 500 में 470 मार्क्स गेन किए हैं। इनकी परसेंटेज भी 94% रही है, ठीक है। उसके बाद 26 पे हैं कुमारी अंजलि सती जिन्होंने गवर्नमेंट IC सिरकोट बागेश्वर से जो पढ़ने वाली हैं वहाँ से इन्होंने 500 में से 470 मार्क्स गेन करके 94% इन्होंने भी क्या किया प्राप्त की है। उसके बाद 27 रैंक पे जो है आदर्श कुमार सिद्धू जिन्होंने RLS चौहान SVMIC जसपुर स्कूल में पढ़ के 500 में से 470 नंबर प्राप्त किए। इनकी परसेंटेज भी 94% आई है। 28 वाले जो है अनुराग चौहान हैं इन्होंने RLS सेम स्कूल में ये भी पढ़े हुए हैं। इन्होंने भी 500 में से 470 नंबर प्राप्त किए 94% ला के 28 रैंक पे रहे हैं ये। 29 पे हैं कुमारी त्रिपाठी जकवाल जो गवर्नमेंट IC स्कूल में बजूनिया लिखा है, हाँ बजूनिया ही है जी, गवर्नमेंट IC बजूनिया हल्दू
नैनीताल में पढ़ने वाली है। इन्होंने 500 में 469 रैंक नंबर प्राप्त करके 93.80% प्राप्त की है। ये आपके 29 रैंक पे रही हैं। 30 जो लास्ट आपके जो टॉप 30 में लास्ट रैंक पे हैं, 30 रैंक पे रहे हैं वो हैं दीपक गंगवार, जिन्होंने SVMIC रुद्रपुर US नगर में पढ़ के 500 में 469 नंबर प्राप्त किए हैं और 93.80% से ये पास हुए हैं और इन्हें 30 रैंक मिली है। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे पे और बच्चों की लिस्ट थी, पर मैंने खाली टॉप 30 बच्चों के ही नाम लिए हैं। हालांकि मेरे पे 100 बच्चों तक की लिस्ट है, 100 टॉप 100 जो बच्चे हैं मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आए हैं, जिन्हें टॉप वैसे तो टॉप 25 ही देखा जाता है, बट मैंने फिर भी 5 स्टूडेंट एक्स्ट्रा इसके अंदर कैलकुलेट कर लिए हैं। जो दोस्तों मेरे पे पूरे 1 से लेकर 100 जो स्टूडेंट्स हैं शुरू के, जिन्हें टॉप रैंक में कहा जा सकता है, जिन्होंने 90 से एवर परसेंटेज गेन किया, उनकी पूरी लिस्ट है। बट मैंने उनमें से सिर्फ टॉप 30 रैंक तक के स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने रखे हैं। हालांकि आपको जो देखा जाता है 25 तक ही टॉप लिस्ट में देखा जाता है, जो टॉप लिस्ट में आते हैं 25 रैंक तक ही देखा जाता है। बट पूरे उत्तराखंड में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कई बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उनकी परसेंटेज अलग होगी। बट ये जो परसेंटेज है ये कंबाइंड कैंडिडेट्स की है, हर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की मैंने नहीं दी है, ये पूरे ऑल उत्तराखंड की जो टॉप रैंक परसेंटेज है वो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अगर आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर परसेंटेज के उसमें बोलेंगे तो मैं उसके उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि नैनीताल में या अदरवाइज जो मैं खुद नैनीताल का रहने वाला हूँ या अदरवाइज जो दूसरी जगह के भी बच्चे हैं उनके भी कलेक्शन करके मैं बता सकता हूँ आपको कि क्योंकि मेरे पे टॉप 100 जो रैंक के स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट है, उसमें जितने भी 12th क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने टॉप किया है उनकी मेरे पे पूरी लिस्ट पड़ी है। तो दोस्तों अगर आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे क्लास 10th की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।